अगर आपको भी इस एस बी आई का इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और जो है आपका यूजर आई डी भूल चुके हैं तो किस प्रकार से उसको रीसेट कर सकते हैं किस प्रकार से आप जो है उसको पता कर सकते हैं किस प्रकार से करना है इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोग बताते हैं किस प्रकार से आप जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड को और लॉग इन पासवर्ड

ऑप्शन के आ जाएगा तो यहाँ पर लॉग इन पर्सनल बैंकिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा तो लॉग इन दिख रहा है लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है जैसे के ऑप्शन क्लिक कर दोगे यहां पर कंटिन्यू टू लॉग के ऑप्शन पर फिर से एक बार क्लिक कर देनी है जैसे कंटिन्यू टू लॉग इन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर हमें जो है इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा आने के बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे हमारा यूजर नेम पासवर्ड का जो है यहाँ पर फॉर्गेड करने का ऑप्शन आ गया चलिए हमें जो है यहाँ पर हमें जो है हमें तो पता नहीं है यहाँ पर जो बोल रहा है यूजर नेम और पासवर्ड डालिए और कैप्चर डाल के लॉग इन कीजिए लेकिन हमें तो पता नहीं है हमारा पासवर्ड uh, क्या है हमारा यूजर आई क्या है तो हम क्या करेंगे फॉरगेड यूजर नेम पर क्लिक करेंगे और फॉरगेड यूजर नेम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें पास इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फॉर्गेट माई लॉगिन पासवर्ड तो इस पर एक एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपको क्या फॉर्गेट करना है जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड या फॉरगेट यूजर नेम आपको क्या फॉरगेट करना है तो जो भी फॉरगेट करना है आप फॉरगेट कर सकते हैं डेमो के तौर तो पे मेरे को जो है यहाँ पर पासवर्ड पता नहीं है तो क्या करेंगे पासवर्ड पे रहने दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा जो भी आपका यूजर नेम है ठीक है अगर यूजर नेम पता नहीं है तो क्या करेंगे चल बे बेकर यू जी ने जो है यहाँ पर जो है यूजर नेम पता नहीं तो है तो यूजर नेम फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पर यूजर नेम एन पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यूजर ने फारगेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पर आपका जो पासबुक में सी नंबर होगा उस सी नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे जो भी सी नंबर होगा इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है उसके बाद मोबाइल नंबर डालनी है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर जो कैप्चा दिखा है इस केप्चे को यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका जो यूजर नेम है आपको आपके मेल के द्वारा और आपके एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा ठीक है जो भी यूजर नेम होगा तो इसी प्रकार से यूजर नेम को आप फॉरगेट कर सकते हैं ठीक है तो ये हुआ हमारा यूजर नेम चलिए पासवर्ड फॉरगेट करके बता देते हैं फॉरगेट पासवर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले यूजर नेम हमें पता हो गया अब यूजर नेम पता होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम जो है यहाँ पर यूजर नेम पता होने के बाद यूजर नेम को यहाँ पर डालेंगे अकाउंट नंबर जो भी है यहाँ पर डालेंगे कंट्री सेलेक्ट करेंगे मोबाइल नंबर डालेंगे डेटा बटन डालेंगे और यहां पर कैप्चर दिख रहा है कैप्चे को फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे चलिए मैं करके बता देता हूं एक बार आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आपको भी करनी है इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर आपको जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा ओटीपी को यहां पर फिल करना है जैसे ओटीपी मैं फिल कर देता हूं फटाफट से ओटीपी फिल कर देता हूं और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर हमने जो है ओ को फिल कर दिया कंफर्म पे क्लिक करेंगे और कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे जैसे दोस्तों आपके सामने नज़र आ रहा होगा यहाँ पर बता दें एक तो आप ए टी कार्ड के द्वारा जो है कर सकते हैं दूसरा आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा कर सकते हैं तीसरा में यहाँ पर जो है ब्रांच जा भी कर सकते हैं तो आप अगर आपको जो है प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो प्रोफाइल पासवर्ड से कर लीजिएगा अगर आप जो है ए कार्ड है आपके पास तो ए कार्ड से कर लीजिएगा चलिए मेरे को प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो प्रोफाइल पासवर्ड को क्लिक करूँगा सबमिट में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन आ गया यहाँ पर कुछ जो इश्यू आ गया यहाँ पर देख सकते हैं इशू कुछ प्रॉब्लम आ गई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम एक बार और जो ओ टी डाल के सबमिट करते हैं एक बार और ओ टी डाल के सबमिट करते हैं हम करने वाले हैं प्रोफाइल पासवर्ड से प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर टू स्पेंड रिक्वेस्ट करेक्ट वे प्रोसीड आईडी नंबर ये है थोड़ा वेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर जो है कंटिन्यू नहीं करेंगे एक बार और देखते हैं क्या होता है कंटिन्यू तो यहाँ पर कुछ सर्वर सर्वर की वजह से जो है यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है तो जो है अभी नहीं हो सकता है अगर आप जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर ओ टी पी डालेंगे मतलब जो ओ टी पी डाले थे ओ टी पी डालने के, के बाद दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आपको सिंपल से क्या करना होगा कि जो है आपको प्रोफाइल पासवर्ड प्रोफाइल जो लॉग इन पासवर्ड है उसको क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड डालेंगे प्रोफाइल पासवर्ड क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद जो है आप जो है अपना पासवर्ड बनाएंगे स्टॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों आपका जो काम हो गया ठीक है यहाँ पर सर्वर की वजह से जो है यहां पर तो यहां पर जो पर पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम सो आ रही है तो हम फिर से नहीं करेंगे और बार बार करेंगे तो हमें जो है जो है प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए बार बार हम रिक्वेस्ट नहीं करते हैं दो बार कर चुके हैं अब तीसरे बार करेंगे नहीं तो आपको भी जो है दो दो, दो से तीन बार कर लेनी है हो जाता है ठीक है अच्छी बात है नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप दूसरे दिन कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोग अच्छी लगी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना करने तमाम दोस्त शेयर करना अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुद रहो